अरे भाई, ये को कॉमर्स क्या है? क्या इसके अंदर मेरा फ्यूचर है? क्या मुझे इसके अंदर जाना चाहिए? अगर मैं इसके अंदर जाता हूं तो क्या मेरा कैरियर बिल्डअप हो सकता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में को कॉमर्स के बारे में उठ रहे हैं। सो आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए को कॉमर्स वीडियो सीरीज। इसके अंदर हम आपको बताने वाले को कॉमर्स क्या है, यह किस तरीके से काम करता है, इसके अंदर आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, इसका फ्यूचर क्या है, और अगर आप इसके अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका वर्किंग स्टैंडर्ड कैसा रहना होगा, आपको क्या क्या स्किल्स की जरूरत है, और इसके साथ साथ आपको इसको करने के लिए क्या बहुत बड़े ऑफिस की जरूरत है, क्या इसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्टाफ की जरूरत है, क्या इसको करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। सो ऐसे बहुत सारे सवाल है, मैं जानता हूं। और भी इसके अलावा अगर आपके पास सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताइए, हम आपको सभी के बारे में आंसर करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गुरसेवक है और मेरे पास डायरेक्ट सेल का 7 ईयर का एक्सपीरियंस है, और आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताने वाला हूं को कॉमर्स के बारे में। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि को कॉमर्स है क्या। को कॉमर्स को कोऑपरेटिव कॉमर्स भी बोला जाता है। इसके अंदर आप अपने बिजनेस को डिफरेंट प्रकार से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जैसे कि आप रेफर एंड अर्न कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम पे एफिलेट मार्केटिंग सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग के अंदर है, तो आपको कॉमर्स के अंदर इस चीज को भी यूज कर सकते हैं। यहां पे आप किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस को लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं, और उनकी बाइंग करने की वजह से आपको आपका परसेंटेज कमीशन आता है। इसके अलावा आप यहां पर ट्रेनर एंड होस्ट बन के भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग जानते हैं, या आप लोगों को बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं, तो आप लोगों को सिखाने के पैसे भी कमा सकते हैं। यहां पे आपको एक फॉर्म सबमिट करना होता है, जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है तो आपको डेट्स दी जाती है किस डेट पे जाके आप क्लास करते हैं, और उस क्लास या उस मीटिंग्स के भी आपको पैसे पे किए जाते हैं, जितनी भी आपकी बुकिंग्स होती है उसके अकॉर्डिंग। इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी विजिट कर सकते हैं, वहां पे इसके बारे में डीप में बताया गया है। इसके बाद आप तीसरे प्रकार से इसके अंदर अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अगर आपके पास अपना कोई प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना चाहते हैं और आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं, यहां पे बहुत ज्यादा कस्टमर हो, तो उसके लिए आपको कोकॉमर्स का प्लेटफॉर्म बेस्ट है। यहां पे आप वेंडर पार्टनर बन के भी पैसा कमा सकते हैं, और एक बार अगर आप अपने प्रोडक्ट को लिस्टेड कर देते हैं तो आपको पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा कस्टमर है जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लेना चाहेंगे। इसके बाद आप जिस तरीके से आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं वो है आप डिजिटल कंटेंट क्रिएट करके भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको कैमरा पसंद है, अगर आपको वीडियो बनाना पसंद है, अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना पसंद है, तो आप इसके अंदर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बन के भी आप अर्निंग कर सकते हैं। यहां पे आप पर मंथ आपको वीडियो के अकॉर्डिंग पैसा पे किया जाता है। इसके अलावा आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, जिसके अंदर आप कम्युनिटी बिजनेस बिल्डअप करके भी पैसा कमा सकते हैं। यहां पे आप अपने लिए कम्युनिटी बिल्डअप करते हैं, और उस कम्युनिटीज के अंदर जितनी भी आपकी सेल जनरेट होती है, जितना भी आपका बिजनेस होता है, उसका आपको परसेंटेज मिलता है। सो इस तरीके से आप कॉमर्स के अंदर अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। देखा ना, है ना कमाल का सौदा, एक प्लेटफॉर्म। यहां पर आप इतने अलग अलग प्रकार से अर्निंग कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक ही प्लेटफॉर्म पे एक से ज्यादा प्रकार के अर्निंग ऑप्शंस हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर आप कितना पैसा कमा सकते हैं, और दूसरी बात, इसके अंदर आपका कितना फ्यूचर है। अगर आप इसके बारे में और डीप में जानना चाहते हैं तो आप हमें हमारे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं। उन सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको पॉपअप में उनके नाम भी शो हो रहे होंगे, आप उनको जाके वहां पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं और इसके बारे में डीप में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।